हेलो गुड इवनिंग आवाज साफ आ रही है सर गुड इवनिंग आवाज साफ आ रही है सर गुड इवनिंग चलिए जी गुड इवनिंग आज हम लोग जो जे का ए का मॉड्यूल डी कंप्लीट कर रहे थे उसी का जो टॉपिक चल रहा था ट्वेंटी फोर नंबर टॉपिक वही टॉपिक कंटिन्यू है और ये उसका पार्ट थर्ड है और ये टॉपिक कम से कम थ्री टू फोर मार्क्स आपके एग्जाम में ला सकता है और पूरा मॉड्यूल जो है फिफ्टीन से ट्वेंटी मार्क्स ला सकता है ठीक है जिन लोगों का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वीक रहता है या उनको प्रॉब्लम लगती है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखना उनके लिए थोड़ा आसान नहीं है वो लोग इस तो, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से करें ठीक है चलिए आगे शुरू करते हैं इसमें तो ये है ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द डिपॉजिट अकाउंट कि डिपॉजिट अकाउंट कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने में ओपनिंग अकाउंट के बारे में तो हमने बातें कर ली हैं ठीक है अब ये इंट्रोडक्शन की बात आ रही है तो इंट्रोडक्शन में पहले था अकाउंट इज स्टिल अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ठीक है तो यहां ये बोल रहे हैं कि भाई पहले ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इवन दो डॉक्यूमेंट ऑफ आईडेंटिटी एंड एड्रेस आर रिक्वायर्ड अंडर आरबीआई आर प्रोवाइडेड तो अभी यहां पर क्या है कि अब जो है इंट्रोडक्शन जो है मैंडेटरी नहीं रहा

अकाउंट रूल्स ऑफ रिजर्व बैंक और केवासी गाइड आरबीआई के गाइडलाइंस की जो के वाई सी में है या पी एम एल एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अब ये नेसेसरी नहीं रहा है लेकिन प्रैक्टिस में अभी भी कई लोग क्या कर रहे हैं इसका अकाउंट का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कई बैंकों में ठीक है बैंक सुड ओपन फोटो फोटोग्राफ के बारे में क्या कहता है तो जो भी न्यू अकाउंट होगा उसमें सब में फोटोग्राफ लेगा द कस्टमर फोटोग्राफ शुड बी ट विल बी एक्सम फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोग्राफ ठीक है तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके जब अकाउंट खोलते हैं तो उसमें फोटो के बिना भी खोल सकते हैं द बैंक में

जॉइंट अकाउंट की बात करेंगे अगर जॉइंट अकाउंट मोर देन वन लोग है तो उसमें ठीक सब साथ साथ सब है सबकी फोटोग्राफ आपको लेनी ही है अगर जॉइंट अकाउंट हो इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल कस्टमर सेट ऑफ फोटोग्राफ ऑफ ऑल द ऑफिशियल ऑथोराइज टू ओपन एंड ऑपरेट अगर किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट खुल रहा है तो उसमें सारे ऑपरेटिंग जो भी लोग हैं उनके सबके आपको क्या चाहिए वो, वो फोटोग्राफ चाहिए ठीक है जो ऑपरेट कर रहे सेविंग बैंक अकाउंट अगर वो टेन ईयर एंड अबव का है तो उसकी भी फोटोग्राफ आपको चाहिए इन केस ऑफ माइनर अकाउंट अगर गार्जियन ऑपरेट कर रहा है तो गार्जियन द द ऑफ गार्जियन आल्सो टू बी मतलब चिल्ड्रन के साथ जो माइनर है उसके साथ माइनर प्लस गार्जियन तो अधिकतर क्या होता है वो दोनों साथ बैठ के फोटो खिंचालते हैं वो भी चल जाता है एच यू एफ में क्या है कर्ता के ठीक है अकाउंट अकाउंट में NRO में इन सब में अकाउंट में उसमें भी सबको आपको ठीक है कल हमारा ये डिस्कशन चल रहा था पर्दा नसीन वाले में ना ठीक है ये हमने कल डिस्कस कर लिया था चलो अब है जॉइंट अकाउंट में क्या क्या चीजें तो जॉइंट अकाउंट में क्या है विथ आउट सर्वाइवरशिप क्लॉज मीन ज्वाइंट है तो ज्वाइंटली बाई ऑल सब लोग ठीक है दूसरा क्या है ज्वाइंट और सर्वाइवर तो ज्वाइंट और सर्वाइवर में एक तो क्या होता है ज्वाइंट और सर्वाइवर विथ सर्वाइवरशिप दिस अकाउंट टू बी ऑपरेटेड ज्वाइंटली बाई ऑल द अकाउंट होल्डर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर द सर्वाइवर कैन बी अलाउड टू कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट और बैलेंस ऑन द अकाउंट कैन बी पेड टू सर्वाइवर्स तो यहां पर क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो जॉइंट अकाउंट में दो लोग हैं ए ए बी अगर A की डेथ हो जाएगी तो बी को पेमेंट हो जाएगा यहां पर भी वही चीज है बस इसमें क्या ऑपरेशन में क्या है इन दोनों में क्या फर्क है देखिए इन दोनों में फर्क बताइए क्या है किसी को बात समझ में जॉइंट अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप, जॉइंट अकाउंट विद सर्वाइवरशिप तो इसमें क्या है जो जॉइंटली ओपन होगा, इन इवेंट ऑफ द अकाउंट होल्डर ऑपरेशन शुड बी स्टॉप एंड द बैलेंस ऑफ पेबल टू सर्वाइवर्स एंड द लीगल हायर ऑफ द डिसीज पार्टी तो इसमें फर्क क्या है कि एक तो अकाउंट एक तो बंद हो जाएगा ठीक है लेकिन इस वाले में क्या करा अकाउंट बंद नहीं होगा वो आगे चला सकता है अकाउंट सर्वाइवरशिप है इसलिए वो आके अकाउंट अपने नामों से चला सकता है ठीक है आइदर सर्वाइवर दो पर्सन है अगर नेम्स ऑफ है तो आइदर सर्वाइवर और एनी वन ऑफ सर्वाइवर अगर मोर देन टू परसेंट का अकाउंट है मीन्स ए और बी का अकाउंट है तो ये क्लॉज होगा ए और बी और सी का क्लॉज या ज्यादा लोग होंगे होगा तो इसमें क्या है कि किसी की भी डेथ होती है तो बाकी लोग उस अकाउंट को चला रहे डेथ ऑफ वन ऑफ द राइट टू ऑपरेट अकाउंट रेस्ट विद सर्वाइवर्स बट ज्वाइंटली बट ज्वाइंटली जो बचे हुए लोग बचे हुए लोग हैं वो लोग ज्वाइंटली उसको ऑपरेट करेंगे अ फ्रेश मैंडेट है ऑन द डेथ ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द अकाउंट होल्डर बैलेंस ऑफ द पेबल टू द लोन सर्वाइवर मतलब एक भी कोई अगर बचा है तो उस पर वो बैलेंस जो है उसको पेमेंट किया जा सकता है अब इसमें एक बात बताइए इसमें खास बात थी ए बी सी डी चार लोग हैं और एनी वन यानी सब लोग में से कोई एक अकाउंट एक एक को ऑपरेट कर सकता था एक की डेथ होती है एक की अगर डेथ होगी तो अब इसका बैलेंस ये तीनों लोग लेंगे तीनों लोग जॉइंट ऑपरेट करेंगे या वो एक फ्रेश मैंडेट देंगे कि नहीं भाई अब इस अकाउंट को बी और सी और डी में चला लो ये बात क्लियर हुई किसी को इसमें सर्वाइवर को भी ज्वाइन करना पड़ेगा सर है? इसमें सर्वाइवर को भी ज्वाइन करना पड़ेगा किसमें एनीवन और सर्वाइवर में नहीं जो ऊपर वाला है ई और एस है उसमें तो दो ही लोग हैं दो ही लोग हैं फोर्थ वाला सवाल एनीवन और आ, सर्वाइवर एनीवन और सर्वाइवर में दो से ज्यादा जब लोग होते हैं अब यहां पर मैं एक बार और कर रहा हूं जब चारों लोग जिंदा हैं तो चारों में से कोई भी आकर के पेमेंट ले सकता है लेकिन एक की डेथ होती है तो रेस्ट ऑफ द जो भी सरवाइवर है वो इस अकाउंट को ज्वाइंटली अप्रोच ऑपरेट करेंगे लेकिन अगर वो फ्रेश मैंडेट दे देते हैं कि अब हम तीन लोग बचे हैं हम तीन लोग एनी वन और सरवाइवर में खाता चलाएंगे तो चला सकते हैं अगर दो लोग बचते हैं तब ये खाता कैसे ये अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा जरा बताइए तो जब सिर्फ दो लोग बचे आइदर और सर्वाइवर में हाँ वो फिर क्या हो जाएगा आइदर और सर्वाइवर, सर्वाइवर। दो नंबर वाला एक बार बताएंगे दो नंबर वाला दो नंबर वाला ये जॉइंट और सर्वाइवर जॉइंट और सर्वाइवर विद इसमें पहले वाले में है जॉइंट अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज दूसरा वाला है विद सर्वाइवरशिप अब एक बार फर्क देख लेते हैं ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर ऑपरेशन इन दिस अकाउंट शुड बी स्टॉप दूसरे वाले में क्या करा इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ दाउंट होल्डर द सर्वाइवर कैन बी अलाउड टू कंटिन्यू टू ऑपरेट दाउंट और द बैलेंस टू बी पेड टू द मीन्स दूसरे वाले में अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं ऊपर वाले में आप अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं यह फर्क है मींस इसमें अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा स्टॉप कर दिया जाएगा और इसमें क्या रखा जाएगा कंटिन्यू ठीक है कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा चलो एनी वेरिएशन इन द इंस्ट्रक्शन गिवेन टू द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर एट एनी टाइम ऑफ ऑफ ओपनिंग दाउंट कैन बी मेड ऑनलीफ ऑथोराइज बाई द ऑलंट अकाउंट वाले में जो सब लोग कहेंगे वही काम होगा ऑरिजिनल अथॉरिटी रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ जॉइंट अकाउंट एज वेल एज द सर्वाइवरशिप क्लॉज मे बी लेटर ऑन रिवोक्ड बाई एनी वन ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर इसमें क्या बोलता है ऑरिजिनल अथॉरिटी रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट एज वेल एज द सर्वाइवरशिप क्लॉज मे बी लेटर ऑन रिवोक्ट बाई एनी वन ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर मीन्स वो जो वहां पर ज्वाइंट ए बी सी है इन तीनों ने ज्वाइंट अकाउंट खोला सी क्या कर रहा है अपने आप को क्या कर रहा है उससे विडड्रॉ कर रहा है रिवोक मैंने अपने आप को हटा ले रहा है ठीक है वो कोई भी बंदा इस अकाउंट से क्या कर सकता है अगर बाहर निकलना चाह रहा है तो अकेला निकल सकता है कैन बी रिवोक्ड बाई एनी वन ऑफ द ज्वाइंट ठीक है अब यहां पर आया कन्वर्जन ऑफ अकाउंट सिंगल इंटू ज्वाइंट फर्स्ट पर्सन को छोड़ के एनी कैन रिमूव ना एनी वन कैन नहीं ये तो जब विथड्रॉ हो रहा ना उससे अच्छा आपका कहने का ये है कि जिसका नाम पहला है जिसका नाम पहला है वो कभी भी आउट नहीं हो सकता ये कहना चाह रहे ना आप यस सर यस सर सही बोल रहे हो एक रूल होता है कि बाद वाले कितने भी लोग बदलते रहे लेकिन पहले वाले का नाम हम नहीं नहीं बदल सकते इस पॉइंट में ओरिजिनल अथॉरिटी रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ ज्वाइंट अकाउंट ये ऑपरेशन ऑफ ज्वाइंट अकाउंट की बात कर है एज वेल एज द सर्वाइवरशिप क्लॉज मे बी लेटर लेटर ऑन रिवोक्ड बाई एनी वन ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर यहां तो ये यह कहना चाह रहा है कि कोई भी इसमें से बाहर निकल सकता है उस जॉइंट ऑपरेशन से बाहर आ सकता है आपका क्वेरी बिल्कुल जेनुइन है लेकिन ये वाला जो क्लॉज है उस क्वेरी को एक तरह से कंट्राडिक्ट कर रहा है कि जब हम लोगों ने पहले पढ़ा है सुना है कि पहला वाला बंदा कभी नहीं बदलता जैसे मान लिया एबीसी के नाम अकाउंट है तो अकाउंट ए बी के नाम या ए सी के नाम या ए बी सी डी के नाम चल सकता है लेकिन ये अकाउंट बी सी बी सी डी के नाम नहीं चल सकता यही कह रहा हूँ फर यस सर सर केस डेथ हो सकता है सिर्फ वो ए अगर रिमूव सिर्फ अगर एक ही डेथ हो जाती है तब अगर एक ही डेथ हो जाए तो वो सर्वाइवर तो क्या वो वो लिए बीसी नहीं के नहीं नाम चल सकता है हाँ सर तब बीसी के नाम से चल सकता हाँ, है चल सकता है फिर तो हाँ डेथ के केस में ना हाँ तभी तो सर्वाइवर सिर्फ वाला सर्वाइवर विदाउट सर्वाइवर वाला विद सर्वाइवर वाला अगर वो अकाउंट आपका विद सर्वाइवर है तो ये चल सकता है लेकिन वो विथड्रॉ नहीं कर सकता अपने आप को वो अपने आप को विथड्रॉ करके बीसी को अकेला छोड़ जाए ऐसा नहीं करते ना हम लोग तो फिर सर्वाइवरशिप का क्लॉज ही फिर वैलिड नहीं हुआ ना सर हुँ. जब उसकी डेथ होगी तभी इधर और वो सर्वाइवरशिप क्लॉज रहेगा नहीं ऊपर भी तो उसने यही लाइन बोली थी इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ वन अकाउंट होल्डर इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ दल्डर जहां भी सर्वाइवरशिप रहेगा वहां डेथ वाला क्लॉज ही लगेगा आई थिंक और ये जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई विड्रॉ हो जाए उसमें से तो पहला वाला बंदा क्या नहीं कर सकता यहां तो ये बोल रहा है कि रिवोक्ड कर सकता है रिवोक्ड बाय एनी वन ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर क्योंकि प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है प्रैक्टिकल नहीं। नहीं। पॉसिबल तो है अगर... लेकिन करते नहीं है आपका ये देखिए कस्टमर जो अकाउंट खोलता है अपना आप एक कस्टमर आईडी बनाते हैं और तीनों की आपने कस्टमर आईडी बना दी ठीक है और अकाउंट खोला उसमें आप किसी को भी इंक्लूड कर ले और किसी को भी कर ले कर सकते हैं ना हाँ ये कर सकते हैं कर सकते हैं ये तो कर सकते हैं एक बार तो कभी करके देखना कि जो तो पहले वाले को आप जोड़ते हैं क्या उसको रिमूव कर सकते हैं सिस्टम में तो सर कर सकते क्या होता है जैसे अगर पहले वाला पहले वाले को हटाना चाहें तो उसका सीआईएफ डे करने से पहले दूसरे वाले का सिया फोन करके लिंक कर देंगे एक आता है ओन हुँ. उसमें लिंक कर देंगे तो दूसरे वाले से मेन हो जाएगा पहला हो जाएगा और दूसरे वाले को हटा सकते हैं प्रैक्टिकली तो कर सकते हैं सर लेकिन करते नहीं है मुझे भी ध्यान आ रहा है तो होता नहीं है एक्चुअली इसलिए शायद नहीं करते ना सिस्टम नहीं करते ना क्योंकि जो पहला वाला कस्टमर रहता है ना जो पहला वाला कस्टमर समझ ले तीनों ने पैन कार्ड दिया है हमेशा अकाउंट में पहले वाले कस्टमर की टैक्स लाइबिलिटी बनती है जो फर्स्ट होल्डर रहता है उसी की अगर टीडीएस कटेगा, एस कटेगा या इसमें भी अगर MD वाले अकाउंट की बात करें तो पहले वाले अकाउंट होल्डर के पैन कार्ड पे ही कटता है ना कि दूसरे वाले के टैक्स लाइबिलिटी तो हमेशा फर्स्ट होल्डर की बनेगी ना सर पहला वाला विद्रॉल हो जाएगा तो पैन कार्ड किसका चलेगा चलो हम लोग क्या है हम लोग इस इतना डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम में अब आएगा तो आपको इतने डिस्कशन के अकॉर्डिंग फिर उसका आंसर देना होगा वैसे मैंने भी स्टार्टिंग बैंकिंग में ही सुना था मैनुअल में ही कि पहले वाले का नाम कभी नहीं बदल सकता आप उसके बाद किसी का नाम लाओ या किसी को हटाओ ये सुना था मैंने अभी भी यही है सर है तो यही रिंट अकाउंट होल्डर चलो अभी हो सकता है कि जो अगला पैराग्राफ है ना इसमें ज्वाइंट इंटू सिंगल बोला हुआ है ठीक है देखते हैं टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग अकाउंट सिंगल अकाउंट इंटू ज्वाइंट और इ लेटर फॉर एग्जिस्टिंग होल्डर लेकर के स्पेसिमेंट सिग्नेचर लेके आप कर लेंगे इनकेस ऑफ कस्टमर है ज्वाइंट अकाउंट विद द बैंक

डिजायरेबल का मतलब एक तरह से एडवाइजेबल है ऐसा ऐसा चाहा गया है आप ऐसा करें और इसके पीछे जैसे आपने अभी पॉइंट उठाया था कि सबसे बड़ा पॉइंट किसका है टैक्स का टैक्स लाइबिलिटी का सब क्योंकि अकाउंट तो चल रहा पिछले बीस साल से अब वो कब किसकी लाइबिलिटी माने नहीं माने तो उसको यही डिजायरेबल रखा गया कि आप ऐसे अकाउंटों में क्या करें कौन सा केस है जॉइंट से सिंगल सिंगल करने वाला ठीक है चलो माइनर के अकाउंट के बारे में इसमें 18 ईयर है अच्छा ये वाला जो है ना जो अपॉइंटेड वाला माइनर हुज गार्जियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ये कोई बता रहे थे अब ये भी 18 ईयर हो गया है सही बात है क्योंकि तो अभी एमसीक्यू में डिस्कशन हुआ था सर एटीन को ही माना गया था टूल्स के प्रश्न चलो ठीक है एनी कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज नॉट वैलिड वन हिंस नो ओवरडर्फ नहीं देना बच्चे को ठीक है नो कलेक्शन ऑफ चेक्स शुड बी अलाउड इन द अकाउंट ऑपरेटेड बाय माइनर क्या ऐसा पॉसिबल होता है मैं फर्स्ट चेक अगर माइनर चेक जमा कर जाए चुपचाप तो कोई तरीका है क्या हम उसे रोक लेंगे वैसे तो नहीं है सर ध्यान ही देना पड़ता है और कुछ नहीं लेकिन तो नहीं, नहीं। मना, तो मना क्यों किया होगा मना क्यों किया होगा जरा आप लोग अपना माइंड अप्लाई करके बताइए क्यों मना किया गया हुआ? मुझे तो इसमें एक पॉइंट नजर आ रहा है सर अगर चेक बाउंस हो गया तो केस क्वेस् माइनर पे शायद ना हो इसलिए नहीं नहीं नो कलेक्शन ऑफ चेक्स शुड बी अलाउड इन द अकाउंट ऑपरेटर मतलब कलेक्शन ऑफ चेक का मतलब तो ये हुआ ना कि वो अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर रहा है हम हैं बोलो मुझे इसमें जो नजर आ रहा है से चेक लाएगा वो तो मैं भी ये ये रहा। आज आजकल स्कॉलरशिप में यही पॉइंट तो उठाया मैंने मतलब कि उसको स्कॉलरशिप इसको का चेक मिलता है स्कूल से ले आता है वो तो हम उसको करते हैं कलेक्शन इसके पीछे एक जो लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है कि जब वो चेक जमा करता है हमारे वहाँ पे तो हमारा और उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलेशन क्या होते हैं जब वो चेक जमा करता है हम लोग कैसे काम करते हैं एजेंट 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 की तरह तो एक उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आ जाती होगी ना फिर है ना जो इसमें ये लाइन लिखी हुई है ये सिर्फ इसलिए लिखी हुई हुई कि उसे आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड नहीं है लेकिन यहां वही पॉइंट आता है कि क्या वो चेक उसके किसके लिए वेलफेयर के लिए है जैसे स्कॉलरशिप ठीक है मोस्टली यही चेक स्टूडेंट के उसमें जमा होते हैं ठीक है बड़े चेक्स को आप मतलब प्रैक्टिकली कैसे रोकेंगे आप देख लीजिएगा ठीक है एन अकाउंट में बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर बाई द गार्जियन ऑपरेटेड बाई द गार्जियन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो उसमें क्या करते हैं जब वो मेजर हो जाएगा तो क्या होता है गार्जियन का रोल उसमें अकाउंट में खत्म हो जाता है हैज टू बी एट टाइम ऑफ ओपनिंग शुड बी रिटेन रिकॉर्ड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ बाई वे ऑफ डिक्लेन बाई गार्जियन इज ऑल्सो वैलिड फॉर द दिस पर्पज द गार्जियन मस्ट नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट द माइनस अकाउंट हो जाए तब गार्जियन से उसका अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहा जी थी, ठीक है और बैंक आजकल अबाउट टेन ईयर में भी वो खोल दे रहा नो चेकुक इशू इज टू बी इश्यू टू माइनर वो आर ऑपरेटिंग है no अब ये बताओ कि टेन्थ से एटीन वाले में क्या चेक बुक इश्यू नहीं हो रही हो रही है पूरी पक्का पक्का आ, वो सर। देते नहीं है सर हम तो नहीं देते हैं 10 से 18 वाले में हम तो सिर्फ देते हैं लेकिन जब वो अकाउंट ओपनिंग की बात करता है उसको एटीएम इंटरनेट चेकबुक सब देना था जी सर वैसे एक्चुअली सर देना है नहीं देना है रूल क्या कहता है रूल तो मना करना है लेकिन ये जब से जब से ये वाला रूल आया ना टेन एटीन वाला तब से इसकी इतनी रेलिवेंसी नहीं लग रही मेरे को ठीक है नहीं 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 देना है सिस्टम भी अलाउ करता है ना सर अगर मान लो मना होता तो सिस्टम भी अलाउ नहीं करता सिस्टम ऊपर से रोक लगा दी गई जाती ना सर एक बार आरबीआई का कोई सर्कुलर देख के ना उसमें क्या कह रहा है नहीं देखा संदीप हु? गुलवे जी आपके वहां से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है देखिए हम्म सर्कुलर में देखें हाँ, एक बार देखिए इसमें मुझे लगता है एकदम से सर्कुलर नहीं आएगा तो चेक बाउंसिंग के केस में फिर उस पे वही 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 रीजन लग रहा है क्योंकि आप चेक दे देंगे बाउंस अगर होता है तो उस कंडीशन में फिर सामने वाली पार्टी कैसे क्लेम करेगी पर उसका कोर्ट में केस खारिज हो जाएगा कहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट करने लायक ही नहीं था इसमें माइनर अबाउट 10 इयर्स कैन ओपन एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली अकाउंट एंड यूज अदर फैसिलिटी लाइक एटीएम एंड चेक हज़ार 2014 की बात बोला जब मोदी जी ने आए थे

नहीं A वो A तो अलग तो दस साल से नीचे का रहता है नहीं वो तो अलग कैसे ये तो दस साल से नीचे वाला बोला नाइन बोल रहा है विल बी इशू टू गार्जियन इन द नेम ऑफ माइनर अंडर गार्जियन का बाकी तो देखिए दस साल से ऊपर वाले अकाउंट ओपन तो होता है उसमें सारी फैसिलिटी होती है सर हाँ दस साल से ऊपर आ तो गया है पूरा अभी पुराने रूल्स हैं रूल्स है ठीक है तो पहला कदम पहली उड़ान है ना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया इस बीइंग टाइम हो चुका है उसमें देते हैं उसमें देते हैं सर ठीक है अगर बैंक अगर एसबीआई जैसा बैंक दे रहा है ना तो आप ये मानिए कि दे सकते हैं क्योंकि तो इतना हल्का बात नहीं है ना वो रूल से हट के नहीं काम कर रहा है ना ठीक है <coughs> चलो अब रेगुलेटरी चेंज With a view to promote objective of the financial इन inclusion uniform banking operating माइंड <laughs> मुझे लग रहा hai हमारी सारी डिबेट का आंसर यहाँ मिलेगा हमें क्या मिला hua तो एक तो बोला हुआ है कि can be opened in the माइंड any age through his natural गार्डन दूसरे में बोला हुआ है टेन ईयर में उसे ऑपरेट कर सकते हैं और फिक्स लिमिट इन टर्म्स ऑफ एज बैंक कर सकता है और दे कैन ऑल्सो डिसाइड देअर ओन डिस्क्रिशन एस टू वट मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर टू ओपनिंग ठीक है तो यहाँ पर बैंकों को उसने थोड़ी सी ऑटोनोमी दे रखी है है ना ऑन अटेनिंग मेजोरिटी तो ये तो नॉर्मल बात है कि उसे आप फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ले करके स्पेसिमेंट सिग्नेचर लेकर के आप उसका अकाउंट रन कर सकते हैं यहाँ देखो बैंक आर फ्री टू ऑफर बैंक आर फ्री कर दिया बैंक को फ्री कर दिया आप देना चाहो तो दे दो ठीक है इंटरनेट ए टी एम चाहे फैसिलिटी इस चिकता?

एंड इफ द फाइ नॉट लाइव द मदर तो लड़का लड़की अगर अनमेरिड है लड़की के लिए अनमेरिड वर्ड यूज नहीं किया लेकिन लड़की के लिए अनमेरिड वर्ड, वर्ड यूज उसने किया है तो उसमें नॉर्मल केस में फादर है और फादर की डेथ है तो नहीं है तो मदर होगा ठीक है और इन द केस ऑफ एलिजिटमेट बॉय और इलिजिटमेट अनमेरिड गर्ल जिसको हम अवैध संतान बोलते हैं बगैर शादी की जो संतान होती है द मदर एंड इफ सी इज नॉट लाइव फादर देखो इसमें रिवर्स है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्योंकि उसमें मदर का तो पता रहता है ठीक है मदर का तो पता रहता है लेकिन फादर की श्योरिटी नहीं रहती है तो उस केस में बोला कि मदर उसकी नेचुरल गार्जियन होगी और अगर उसकी डेथ हो जाती है तब उस केस में उसका फादर अब ये जो फादर है इस फादर के लिए जो उस लेडी का हस्बैंड है इस मदर का अभी प्रेजेंट में जो है उसको वो गार्जियनशिप में ट्रांसफर होगा ठीक है इन केस ऑफ माइनर मैरिड गर्ल उसका हसबेंड अगर उसका हस्बैंड भी माइनर है तो तब फादर, फादर फादर होता है तब लड़की का फादर फा बोथ फादर एंड मदर आर नॉट सर एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है। माइनर का तो लॉ में शादी ही करना अलाउड नहीं है ना तो फिर यहाँ पे ये लोग क्यों ऐसे माइनर वो है नहीं लेकिन लोग कर लेते हैं अभी भी सिचुएशन आ सकता है ना नहीं नहीं ये बहुत जगह हो रही है और राजस्थान बहुत होती है पहाड़ में हो जाती है और यूपी और बिहार में भी बहुत देखने को मिलता है पर तो सर ये वैलिड वैलिड नहीं 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 माना माना जाता है ना लेकिन अब वो शादी करके रहने लग गए तो आप उसकी शादी तो ये अगर ऐसा केस अब आप किसी को शादी करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते कि शादी क्यों करी वो तो बैंक अकाउंट खोल रखा है आपके पास चला वो खाता खोल रहे हैं हम उसकी शादी डिस्कस करने लगे ठीक है ठीक और अगर मदर और फादर दोनों नहीं है नो वन अदर देन पर्सन अपॉइंटेड बाय द कंप्लीट कोर्ट कैन बी गार्जियन ऑफ ए माइनर ठीक है अब इसमें देखो कि कई बार केस ऐसा आता है कि चाचा चाची भी गार्जियन बनते हैं होगा ना मुझे बहुत पहले से याद है एक वर्ड होता है यू एन जी और एक होता है UG क्या फर्क है इसमें नेचुरल गार्जियन ठीक है गार्जियन hmm. तो आप कभी बार क्या होता है कि कभी किसी अपने फादर के दोस्त के वहां आप पढ़ाई करने चले जाते हैं तो स्कूल की परिभाषा में तो वो भी आपका क्या हो जाता है गार्जियन गार्जियन उसे लोकल गार्जियन वर्ड यूज करते हैं लेकिन ये जो पॉइंट बता रहा है ये पॉइंट बता रहा है नेचुरल गार्जियन के लिए किसके लिए बता रहा है ने, कि नेचुरल गार्जियन सिर्फ मदर और फादर हो सकते हैं या कोर्ट जिसको अपॉइंट करें ठीक है ये जो पॉइंट अगला आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर मॉमेंटन लॉ द फादर इज द गार्जियन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर मींस अगर माइनर है तो सीधे उसका गार्जियन कौन है फादर है बट आफ्टर द फादर्स डेथ द फॉलोइंग पर्सन एन टाइटल इन ऑर्डर ऑर्डर मेंशन मैं अंडर टू बी गार्जियन ऑफ मीन्स सबसे पहले सबसे पहले तो पहले नंबर पे हो गया कौन फादर हो गए ठीक है अगर फादर अलाइव नहीं है तो कौन है द एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाई द फादर्स विल इस फादर ने अपनी विल से जिसको बोला हुआ है वो हो सकता है ठीक है या अगर विल नहीं है तो फादर के भी फादर यानी दादा वो हो सकते हैं या उनकी विल से अपॉइंट किया हुआ कौन एग्जीक्यूटर इस पॉइंट को समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है आ सकता। समझिए इसको सब पॉइंट तो सब क्लियर है बट अभी तो करंट में तो सभी मदर के साथ खोल रहे हैं खाते क्या कर रहे हैं मदर रहती अच्छा, रहते वो स्कूल वाले स्कूल वाले हाँ, जनधन वाले पर एक वर्ड लिखा हुआ देखो पहली लाइन दोबारा पढ़िए अंडर मोमडेन लॉ द फादर इज द गार्जियन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर मीन्स वो गार्जियन जो है ऐसा तो नहीं कि बैंक ने ऑपरेट करने के लिए या नीलोहर ऐसा तो नहीं है कि ओवरलुक हो रहा हो मींस ये वाली जे अकाउंटेंट ने बहुत पहले करी हो बोलो मोहम्मद लॉ में सर जो मदर होती है वो नेशनल गार्जियन नहीं होती है ये तो सही है प्रैक्टिकल में अगर कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए सर नेचुरल गार्जियन और लीगल गार्जियन ये वर्ड भी होते हैं क्या अलग-अलग होते हैं ऐसा तो आ, नहीं लीगल गार्जियन नहीं बन सकता नेचुरल लीगल गार्जियन तो बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन नेचुरल गार्जियन के लिए रूल्स हैं चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे वो मॉमडनो हो उनके लॉ के अकॉर्डिंग यही फादर फादर्स फादर या ये एग्जीक्यूटर बाय फादर्स विल हुँ. या फिर विल ऑफ द फादर्स फादर ऐसा है इसमें सबसे पहले फादर है फिर फादर ने जो विल लिखी है फिर फादर फादर है फिर फादर फादर की विल ये सीरीज बना रखी और यहाँ पे फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर लिखा हुआ है ठीक है अभी हम इसको वो जो स्कूल्स के अकाउंट वाले खोल रहे हैं जनधन वाले उन अकाउंट्स में यही मुझे लग रहा है एक लाइन लिखी हुई है देखो पहले एक बार इसको देखो जरा इफ नन ऑफ द अब पर्सन इज अलाइव ओनली द पर्सन अपॉइंटेड मीन्स इन चारों में से कोई नहीं है अगर तो चारों में से कोई नहीं है हिंदू लॉ में तो फादर और फादर नहीं है तो मदर Under. और फादर मदर दोनों नहीं है तो कोर्ट यहाँ पर चार लोग हैं जिसमें मदर का नाम बिल्कुल नहीं है और उसके बाद कौन है कोर्ट अंडर नो सरकमस्टांसेस मदर कैन एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द माइनर अंडर मोमडन लॉ यहाँ साफ साफ मना किया हुआ है थ्योरी की बात कर रहे हैं हम ठीक इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन

एडवाइज किया है सर एडवाइज किया है केवल कि हाँ मतलब वो इसीलिए किया है कि वो मतलब काम चलता रहे मतलब ठीक है वो करना है इन द नेम्स ऑफ माइनर विद मदर सेज गार्जियन ठीक चलो इलिटरेट पर्सन में इलिटरेट पर्सन में वो जो कुछ बातें कल डिस्कस हो रही थी वो यहां पर आएंगे ठीक है चेक बुक शुड नॉट बी इश्यूड इन द नेम ऑफ

नहीं वो तो अगर वो खाली साइन कर सकता है तो इलेक्ट्रेड इसको थोड़ी ना काउंट करेंगे नहीं करते हैं वो तो लिटरेट काउंट बैंक की भाषा में अगर उसने लिटरेटली ऐसे भी कर दिया तो भी साइन मान लेते हैं उसे जी सर ठीक है मतलब पेन चला लिया पेन चला लिया तो साइन हो गए लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट हैज टू बी ऑब्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज बैंक ऑफिसर एंड ए पर्सन वेल नोन टू द बैंक ऑन दब इसमें क्या करखा देखो ये इसने बोला हुआ वेल नोन पर्सन जबकि करता कौन है कोई, भी, करते कोई भी, करते है। भी कस्टमर करता है सर कस्टमर करता है या बैंक करता है बैंक ऑफिसर सर बैंक ऑफिसर ही करता है बैंक से करता है अच्छा एक बात और बताएं आपको जो लोन डॉक्यूमेंट होते हैं ना लोन डॉक्यूमेंट में जब कोई अंगूठा लगाता है तो उसमें ऑफिसर आर टी आई ऑफ सो एंड सो बस इतना लिखता है ठीक है और यहाँ पे एक वर्ड यूज नहीं करता क्या वेरीफाइड नहीं वेरीफाइड यूज कर लेता है अटेस्ट यूज नहीं करता अटेस्ट क्यों नहीं यूज करता पता है आपको लॉ के अकॉर्डिंग अटेस्टेशन अट्रैक्ट क्या स्टैंप ड्यूटी ठीक है लोन के डॉक्यूमेंट में अटेस्टेड वर्ड नहीं लिखा जाता है ठीक है और क्योंकि वो अटेस्ट और सर्टिफाइड नहीं लिखा जाता क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके लिए क्या देनी पड़ती है ड्यूटी ठीक है एवरी विड्रॉल शुड बी ओवरली कंफर्म ये तो होता ही है ठीक है

ये और एस बाई और या फिर लिटरेट वाला नहीं चलाया दोनों को नो चेकबुक इशू इन सच ज्वाइंट अकाउंट अब एक क्वेश्चन कल पूछा था किसी ने कि एक लिटरेट और एक लिटरेट है तो भी चेकबुक इशू नहीं की जाएगी ठीक है ब्लाइंड पर्सन में ड्यू केयर करनी है आपको एज

उसको अलाउ कर सकता है ऑपरेट करने से एज रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर टेकिंग लेटर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द ब्लाइंड वेयर सिग्नेचर में इनकंसिस्टेंसी है उसमें क्या है हिज लेफ्ट हैंड थम इंप्रेशन ले सकते हैं इन एडिशन टू दिज सिग्नेचर एंट्री एंड द बैलेंस मस्ट बी मेड अप टू अप टू डेट टाइम ऑफ इज ट्रांस बाय द ब्लाइंड कस्टमर and it also should also be read out to him when no other person is in hearing distance of blind customer means this someone may what should also be read out to him when no other person is in hearing distance of the blind ये पॉइंट बताओ जरा क्या लिखा हुआ बोलो आप लोगों को माइक नहीं बोल रहा क्या सर ये कह रहे हैं कि ना उस तो पढ़ के भी बताना है है मतलब के बताना है कितना बैलेंस है ब्लाइंड पर्सन को मतलब तो कहना पढ़ के बताना है उसके मतलब कोई और ना सुनना है बस ब्लाइंड तुम्हारे पास बुक में अब इतना बैलेंस है कोई बताना भी वो ना दो आदमी यहाँ पर ठीक है एक ब्लाइंड वाला एक नॉर्मल वाला अब यहाँ से जो आपका जो ऑफिसर है वो उसको बता रहा है कि भाई आपके में पांच लाख बैलेंस है लेकिन दूसरा वाला भी सुन ना, ले। ना सुन तो वो इस तरह बताना है कि ये ना सुन ठीक उसके लिए तो फिर इसको कहीं और ले जाना पड़ेगा कैसे कैसे बताएगा <laughs> आ जाओ सुन लो है और आजकल तो दो गज की दूरी बनानी जरूरी है अरे सर कहा दो गज की दूरी होती है बैंक वाले सबसे ज्यादा <laughs> तो तो कोरोना कहने के लिए होती है बाकी तो सर सब ठीक है <laughs> अभी नीचे क्या बोलते हैं मतलब मैं कुछ दिनों ब्रांच में भी रहा था ना तो मैं ये सोच रहा था कि एक ब्रांच बैंक का स्टाफ कोरोना के चलते हुए कैसे कोरोना से बच सकता है मतलब इतना से नहीं है बाउचर तो पेन नोट उसकी कागज इवन सर इतना वो तो अपने कैसे बचेगा वो तो 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 <laughs> और oh, कितना आप बचोगे <laughs> सर ओपन काउंटर जैसे रहते हैं ना तो वो हाँ. तो बिल्कुल अंदर ही आ जाते सीट के पास आप उठ जाओ कस्टमर बैठ जाएगा इतना क्लोज आ जाते हैं शुरू <laughs> में तो पिछले वाले में तो अच्छा किया था ना जब वो पन्नी उन्नी लगा दी थी थोड़ा कोशिश किया था बैंक वालों ने बहुत लेकिन अभी तो सब चल रहा है है तो तो भी, तो भी मिरर होता ना तो तो भी ऊपर से आ जाते हैं हैं ऊपर ऐसे करते <laughs> सर बैंक वाले अभी रफ एंड टफ हो गए सर अमृत ठीक अच्छा हो सारे वेरिएंट उसके बैंक वालों के अंदर हैं सर सारे वेरियंट है हाँ बोलो इलिटरेट पर्सन के केस में जो मेल होते हैं फीमेल होते हैं तो उनका जैसे मेल मेंबर का लेफ्ट हैंड और फीमेल मेंबर का राइट हैंड लगाना रहता है ऐसा होता है क्या क्योंकि इसमें जो दिया है थंब इम्प्रेशन तो वो कस्टमर के लिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन दे दिया है अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया है जेंट्स के लिए ऐसा क्या हुआ एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है तब से सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया कि लेडीज भी लेफ्ट हैंड को वो कर सकती है ठीक है लेकिन एक नॉर्मल उसमें ये कहा गया है और आप उसे जब अगर लेडी कहती है कि मेरा राइट नहीं मैं लेफ्ट लगाऊंगी तो आप लेकर उसमें लेफ्ट हैंड लिख देंगे एल टी आई लिख एक वो गया था ट्रेनिंग में तो वहां भी जो सर थे वो बताए थे कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि लेडीज का राइट हैंड ही लगाना है लेफ्ट हैंड भी लगा सकते हैं ये करीब आठ तो दस, तो तो दस साल पहले कोई केस आया था कि ये हमारे साथ क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो बात इसकी सुनी गई कौन सा शुरू में जो लेफ्ट इसलिए कहते हैं कि जो ये होते हैं जेंट्स होते हैं वो सीधे हाथ से बहुत मतलब वैसा काम करते हैं हार्ड काम अच्छा, तो उनका जो लाइंस होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है अच्छा तो इसलिए जो है उसका लेफ्ट लिया गया था शुरू से मतलब लेडीज का तो राइट ही लिया था लेकिन जेंट्स का लेफ्ट लिया था अच्छा, लेडीज का ज्यादा डिस्टर्ब होता है सुनो इस जमाने की बात मत करो <laughs> वैसे के सब साथ दोनों हाथ यूज होते नहीं हाथ तो बिल्कुल ठीक है यूज होते हैं बात आ रही है जैसे वो लकड़ी काटने जा रहा है पत्थर तोड़ रहा है ठीक है और वजन उठा रहा है खेती में काम कर रहा है हां आजकल उल्टा हो गया है आप सर 18वीं सदी की बात कर रहे हो लेडी जो है खेती <laughs> में काम कर रही है सर इलिटरेट के पर्सन मामले में एक चीज क्वेश्चन था अगर कोई भी इलिटरेट पर्सन है विड्रॉल करता है अंगूठा लगाया और बाद में बोलता है पैसा नहीं निकाला हूं मैं तो तो ऐसे केस में क्या होगा कुछ नहीं आजकल सीसीटीवी है सीसीटीवी भी नहीं है और उसका है वाला अच्छा लोन केस है yes. उसमें, एक, उसमें एक लेटर लगता है डॉक्यूमेंट में आप भी ध्यान रखिएगा इलिटरेट को सर्थ. जब लोन देते हैं ना एक हाँ। अलग अलग बैंकों का नाम है उसमें उसको डॉक्यूमेंट का नाम होता है हाँ। वर्नाकुलर वर्नाकुलर लैंग्वेजर लैंग्वेज लैंग्वेज ये तो सर हिंदी में भी साइन करता है ना तो भी अपन हाँ, सुनो सुनो ना हाँ. हाँ. उसमें क्या होता है कि कोई कहता है कि मैं आई नो हिम ही हैज साइन और या उसमें लिखेंगे पुट हिज थम इम्प्रेशन ऑन लोन डॉक्यूमेंट एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश हिंदी जिसको वो जानता है और वो वो जो बंदा होता है वो बोरवर नहीं होता है बोरवर का कोई भी जानने वाला होता है तो इस डॉक्यूमेंट के बेस में ये माना जाता है कि हाँ इसने सब कुछ किया है ठीक है जी सर लेकिन विड्रॉल में भी वो उसको माना जाएगा विड्रॉल में जरूरत नहीं होती वो अंगूठा लगवाता है अपने सामने और देता और वैसे भी एक बात होती है विड्रॉल लेने के लिए कई स्टेप होते हैं ना मतलब आप कैशियर को फंसाओगे काउंटर क्लर्क को फंसाओगे या पासिंग अफसर को फंसाओगे उसमें अच्छा तो इसलिए और अंगूठे वाले केस में होता क्या है आपका जो कैशियर है क्या बोलता है अकाउंटेंट से क्या करा लो वेरीफाई वेरीफाई करा लो ऑथराइज लो सिंगल विंडो में कुछ अमाउंट तक पावर है शायद उसके ऊपर पीछे भेजता है ना

रिलेटेड प्रोपराशि अकाउंट है एबीसी uh, uh, नाम का उसमें उसी अकाउंट में प्रोपराइटर ने प्रोपराइटर को किसी थर्ड पार्टी से चेक मिला हुँ. उसने उसके नाम का चेक मिला प्रोपराइटर के नाम का सर यही तो क्वेश्चन था मेरे कल कि नाम मैं नाम था इनको बोल उस अकाउंट में लगाएगा तो पास होगा वो वही तो क्वेश्चन था इनका कल हाँ। इनका क्वेश्चन यही था कि एबीसी इंटरप्राइजेस खोला है जिसका प्रोपराइटर एक्स है, है। और एक चेक मिलता है किसी को एक्स के नाम का तो क्या वो इस अकाउंट में जमा कर सकता है यही तो क्वेश्चन था इनका हाँ। और हम दो दो कर सकता है ना? हाँ, इस कर इस लाइन के अकॉर्डिंग सकते हैं मुझे कर तो लगता ये कि है ये जो तीन लाइनें पड़ी ना हमने उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं लेकिन बेहतर क्या रहता है अवॉइड करना

वो तो कर देगा आप ए के चेक को बी के अकाउंट में लगा के भेजो तब भी भेज देगा वहां से सही है सिर्फ चलो एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है इन लोगों को हम लोग लीगल पर्सन बोलते हैं क्या बोला एन एग्जीक्यूटर इज ए पर्सन नेम्ड एट इन द विल विल में जिसका नाम दिया गया है एंड डेराइव टाइटल इमीडिएटली आफ्टर जैसे ही उसकी डेथ होती है और डेथ ऑफ टेस्टेटर टेस्टेटर कौन है विल राइटर विल राइटर या विल को एग्जीक्यूट करने वाला ठीक है विल को अनाउंस करना विल का जो विल जिसने लिखी हुई है जिसने एक्सेप्ट करी हुई है या जिसने एग्री करी हुई है वो टेस्टेटर है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ही मस्ट ऑपटेन ए प्रोबेट फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ बिफोर एक्टिंग एज एग्न तो प्रोबेट में मैंने बताया था क्या होती है प्रोबेट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ क्या वेल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वेल को क्या बोलते हैं हम लोग प्रोबेट बोलते हैं ठीक है अगला एन एडमिनिस्ट्रेटर इज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज और अगर कोई बंदा की डेथ हो जाए विदाउट विल, उसी बंदे को हम एडमिनिस्ट्रेटर बोल देते हैं। ठीक है कैन नॉट डेलीगेट पावर वो अपनी पावर किसी और को नहीं दे सकते ठीक है इसको बोलते हैं फर्दर डेलीगेशन नहीं हो सकता द ओपनिंग ऑफ अकाउंट फॉर एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू बी क्लियर बाय द लीगल एडवाइजर लीगल डिपार्टमेंट और अगर ये अकाउंट खोल रहे हैं तो आप इस ब्रा, इस अकाउंट को कहां भेज देंगे अपने आरओ में भेज देंगे ठीक है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी साइन बाय ऑल द एग्जीक्यूटर्स एडमिनिस्ट्रेटर इफ देयर इज अ मोर देन एग्जीक्यूटर और कई कई बार क्या होता है अगर उससे ज्यादा है तो सब लोगों को वहां पे अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आना पड़ेगा चेकस ड्रोन इन फेवर ऑफ एक्टर सुड नॉट बी क्रिएटेड इन द पर्सनल अकाउंट जैसे कंपनी के अकाउंट में करते हैं वैसे यही है शुड बी अलाउड ओनली एज पर दू विल में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे शुड बी ओपन इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल विद द एडिशन तो यहां पर जैसे राम सिंह राम सिंह एग्जीक्यूटर ऐसे करके ठीक है चलो एच यू एफ

तो या सर्विस मैनेजर के है जो पासिंग ऑफिसर होता है पासिंग नहीं जो और चीजें भी रखता है ना पासिंग के अलावा सिक्योरिटी वगैरह रखते हैं वो एक अलग अलग है बैंकों का नाम अलग अलग है ठीक है ऑथराइजर के पास होती है दो तरह की होती है स्पेशल होती है जनरल स्पेशल में स्पेशल वर्क के लिए बोला जाता है और जनरल में एनी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ पावर ऑफ अटोर्नी मस्ट गिव स्पेसिफिक अथॉरिटी टू ओपन एन ऑपरेटिव बैंक अकाउंट टू ओवरड्रॉ करंट अकाउंट, टू बोरो पर क्या है पावर ऑफ अटोर्नी में कई सारी चीजें कई अथॉरिटी दे दी जाती हैं और पावर ऑफ अटोर्नी किसी भी समय क्या करी जा सकती है रिवोक्ट करी जाती है मतलब उठा ली जाती है वापस ले है। या डेथ पे इंसैनिटी इंसॉलमेंटी पर भी वो खत्म हो जाती है और या उसकी अटोर्नी की डेथ हो जाए या तो ग्रांटर की ग्रांटर मान ली जिसने दी है और अटोर्नी जिसको दी है बट इन केस अटोर्नी बिकम इंसॉल्वेंट ही कैन नॉट रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बट अथॉरिटी गिवन बाई द प्रिंसिपल डॉट डिजॉल्व ऑटोमेटिकली यहां पर क्या बात बोलता है देखो पॉइंट में अगर कहता है कि ग्रांटर अगर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो खत्म बात लेकिन अगर अटोर्नी इंस्टॉलमेंट हो जाए ही कैन नॉट रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बट अथॉरिटी गिवन बाई द प्रिंसिपल डज नॉट डिजोल्व ऑटोमेटिकली मीस वो एक बात तो बोली है कि वो जो है प्रिंसिपल के बिहाब पर पेमेंट नहीं ले सकता ठीक है फिर दूसरी बात बोली है कि ऑटोमेटिक डिजोल्व नहीं होती है इसके लिए प्रिंसिपल चाहे तो द प्रिंसिपल इन सच केस हैज टू तो गिव कंफर्मेशन वो चाहे तो इस बात को कंटिन्यू रख सकता है ठीक है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उनको डिस्कस करूंगा ठीक है पार्टनरशिप अकाउंट में कोई चेक उसके एनी पार्टनर के पर्सनल अकाउंट में प्राइवेट अकाउंट में नहीं खोल डाला जा सकता अच्छा जो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें मेरे को भी थोड़ा दिमाग में एक बात आई कि ए ने अकाउंट खोला हुआ है ए का अकाउंट है और एक ही फर्म है एक्स कॉरपोरेशन ठीक है ओहो कहां चला गया फाइल नहीं खोल रही है सर कैसा चैप्टर लिया है खत्म ही नहीं हो रहा है <laughs> बस एक दो चैप्टर और है <laughs> खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं खत्म होने तो जल्दी जल्दी खत्म कर दो लेकिन

नहीं नहीं मॉड्यूल में से पंद्रह बीस मार्क्स का आएगा चलिए आगे देखिए लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैंने आपको कई बार बोल दिया कि आप इसको जरूर पढ़ें किसको अच्छा एमओ और एओ है ना सर तीन चार बार पढ़ना कम से कम ठीक है और एक चीज और बोली है इसने ट्रू एंड टू डेट भी लेके आनी है पता लगा जो आपको सबमिट करी वो जो है ये पुरानी थी ठीक है और कोई डाउट होगा तो आर से पता करेंगे आप ठीक है लेटेस्ट, लेटेस्ट रिजोल्यूशन भी लेना है आपको केस पब्लिक लिमिटेड कंपनी देखो मैंने बोला था ना आपसे कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट किससे लिया जाता है पब्लिक लिमिटेड ये एक जगह बोला था ना मैंने कल क्लास में प्राइवेट yes, के लिए जरूरी नहीं होता है। चलो ट्रस्ट अकाउंट ट्रस्ट अकाउंट में भी पॉइंट हमने पढ़ी लिए थे ट्रस्ट डीट लेनी है आपको और जितने भी ट्रस्टी हैं सबके साइन कराने और जो आपके ऑपरेट करेंगे उसे ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर उसकी पावर को कोई थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते ट्रस्टी हैव नो इंप्लाइड पावर टू बोरोस बोरो करने के लिए उसे स्पेशल पावर चाहिए एक्सप्रेस पावर चाहिए अगर ट्रस्ट डीड में लिखा होगा तभी जैसे स्कूल वगैरह के ट्रस्ट होते हैं ना वो भी लोन लेते हैं स्कूल लोन लेता है स्कूल लोन लेता है लेता है सर में स्कूल को लोन देते नहीं है सर शायद नहीं नहीं देते हैं स्कूल प्लस स्कीम होती है बैंक में चेक्स पेबल टू ट्रस्ट शुड नॉट बी कलेक्टेड टू द प्राइवेट अकाउंट जो सेम वही है राइट ऑफसेट ऑफ नहीं होता अदर स्कूल कॉलेज के अकाउंट की बात आई तो उसमें वो ये रूल्स लेने पड़ेंगे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भी सरकारी वो लेनी होती इंस्टॉलमेंट्स नो अकाउंट कैन बी ओपेंड लिक्विडेटर अकाउंट इन द नेम ऑफ लिक्विडिटर हैज बी ओपन बाई ऑफ द हेड ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट खोल सकते हैं उनके बाई लॉस के अकॉर्डिंग अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडी ये तो नॉर्मल बात है ये पॉइंट आएगा एक फिड्यूशरी अकाउंट फिड्यूशरी अकाउंट का मतलब क्या है कुछ ऐसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूट मे आस्क टू ओपन एन अकाउंट स्टाइलेज साइक्लोन फंड स्पोर्ट फंड सच अकाउंट शुड बी ओपन आफ्टर ड्यू आफ्टर रिलिंग द जेन्यूनस नो ओवर ड्राफ्ट नॉमिनेशन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत बाकी नॉमिनेशन के नॉर्मल है ये इंक्लूडिंग अ सोल प्राइपराइटरशिप फर्म का अकाउंट खोलेंगे तो वो भी उसमें भी नॉमिनेशन फैसिलिटी आप दे सकते हैं लेकिन एसोसिएशन कंपनी पार्टनर फर्म के अकाउंट में नहीं होता है ठीक है प्रोपराइटर में यहां देखो बैंक शुड नॉट एक्सेप्ट नॉमिनेशन इवन इन द अकाउंट्स ऑफ प्रोपराइटरी अब यहां पर इन दोनों पॉइंटों में क्या फर्क है बोलो क्या सर ये इन दोनों पॉइंटों में कुछ कंट्राडिक्शन लग रहा है ये सोल प्रोप्राइटर है ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है उससे क्या फर्क पड़ा इसको हम वैसे तो कह सकते हैं कि जिस फर्म का मालिक अकेला है सोल तो है तो कोई भी हो सकता ना मतलब फर्म किसी और के नाम से उसको पावर दे दी गई वो भी प्रॉपर्टी कंशन में और सोल प्रॉपर्टी मतलब प्रोपर्टरी कंसर्न है उसमें एक से ज्यादा प्रोप्राइटर हो सकते हैं क्या नहीं एक से ज्यादा एक से तो तो नहीं फिर वो पार्टनर हो जाएगा प्रोपराइटर कहाँ रह जाएगा नहीं इससे किसी को जैसे पावर देते हैं ना जैसे बिजनेस रन करने की फर्म रन करने की वे उस हिसाब से कह दो नहीं मुझे लगता है इसमें कि ये जो सोल प्रोपराइटर है अगर स्पेशली अकेला आदमी चला रहा है उसको क्योंकि प्रोप्राइटरी तो ऐसे भी हो सकती है कि 50% का मालिक वो है ट्वेंटी परसेंट का मालिक वो है थर्टी परसेंट का ये पॉइंट के 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 राइटर है ये पॉइंट बुक तो में, में नहीं है कौन सा ये बुक में है सर ये नई वाले पुरानी बुक में है अगर ये गलत है नहीं है तो वो ये जो येलो कलर का लिखा हुआ है ना ये ये पुराने वाली बुक में नहीं है सर हाँ ये येलो कलर का न्यू अपडेट है तो हो सकता है ये डिलीट होने से रह गया हो हाँ बैंक शुड नॉट वाला डिलीट है इसमें नहीं है नई वाली बुक में नहीं है तो ये यही वाला ओके हो गया हमारा ठीक है मतलब प्रोपराइटर सी कंसर्न में आप उसे अगर सोल प्रोपराइटर हैं तो उसे आप नॉमिनेशन की फैसिलिटी दे सकते हैं और अगर वो नहीं दे रहा है नॉमिनेशन तो उससे इंडोर्समेंट लेना है आपने ठीक है टर्म डिपॉजिट में कितने नॉमिनेशन ले सकते हैं आप एक ही ले सकते हैं सर एक ही तो लेते हैं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो इसका मैंने कई बार बताया है हाँ, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें मोर देन वन ले सकते हैं मोर देन वन ले तो सकते हैं ठीक है एनपीएस में कितना ले सकते हैं उसमें भी मोर देन वन है सर अब टू है या उससे ज्यादा है आईडिया नहीं है मोर देन वन है मोर देन वन है आज ही मैंने एक अपने स्टाफ का नॉमिनेशन बढ़ाया था तो उसमें थ्री तक का आ रहे थे ऑप्शन ठीक है तो ले सकते हैं आप है ना सर ज्वाइंट अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं है ना है सर ले लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन ले सकते हैं अगर मोर देन परसेंट को करता है डिपॉजिट में परमिटेड स्प्लिटिंग डिपॉजिट इन तो पोर्सन तो इसमें कहना कि फिफ्टी थाउजेंड की एफडी है तो उससे बोल रहे भैया इसको दो एफडी बना लो तब कर सकते हैं ठीक है और हाँ एक बात और बोलिए

और इन सभी अकाउंटों में अवेलेबल है पेंशन अकाउंट में अवेलेबल है ठीक है नॉमिनेशन में भी मेड पेंशनर हु कैन नॉमिनेट माइनर कर सकता है देखो ये देखो अकाउंट इन द जॉइंट नेम कर e कर सकते सकते हैं हैं ठीक है है ये ये जो आप पूछ रहे थे वाला नेम पे है, तो माइनर no, में क्या है देखो इसको देख लो शुड बी मेड ओनली द गार्जियन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट और या नेचुरल गार्जियन जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है। माइनर ऑपरेटेड गार्जियन हेल्ड जॉइंटली विदार्जियन तो उसमें क्या है गार्जियन बाई गार्जियन बोथ ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर मीन्स दो साइन करेगा एक अपने साइन करेगा और एक माइनर के बिहाफ पे करेगा माइनर स्पेशल डिपोजिट अकाउंट नो नॉमिनेशन शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द माइनर नॉमिनेशन कैन बी एक्सेप्टेड ऑनली द ट कर सकते है लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक गार्जियन लेना पड़ता है।, करना पड़ता है मतलब सर नॉर्मल अकाउंट ओपन कर रहा होगा माइनर तो उसमें नॉमिनेशन करने के लिए गार्डियन और दो बार गार्डियन की साइन आएगी और ये स्पेशल डिपोजिट वाला जो है उसमें अगर होगा तो सिर्फ इसका एक एक ही बार गार्डियन का आएगा बिहाफ वाला नहीं आएगा ऐसा जो स्पेशल अकाउंट है उसमें हाँ. कर सकते हैं कहता है ओनली फ्रॉम लॉफुली लॉफुलटल्ड एम्पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ बिहाफोर नहीं इसमें भी दो ही कह रहा है नो नॉमिनेशन शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम माइनर से नहीं लेना है लेकिन उसमें भी कह रहा है जो लॉफुली एंटाइटल्ड है उसके आ, करने के लिए उससे लेंगे उसमें मतलब माइनर तो, तो कहीं पर भी नहीं कर रहा है। अगर मतलब में दो नहीं लगेगी माइनर हाँ, स्पेशल हाँ, वाले यही पूछ रही हो गार्जियन वाले में दो लगेगी गार्जियन वाले में दो साइन लगेगी तो माइनर तो इसमें क्या माइनर नॉमिनेट करे पाएगा क्या ये माइनर स्पेशल डिपोजिट वाले में ना माइनर तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है तो फिर इस केस में कौन करेगा फिर बिहाफ ऑफ द माइनर जो भी लॉफुली एंटाइटल्ड होगा वो करने के लिए जो उसके बिहाफ पे वर्क करने के लिए एंटाइटल्ड होगा वो चाहे गार्जियन हो चाहे कुछ हो ठीक है नॉमिने किसको बना सकता किसी विदेशी को भी जो इंडियन ऑरिजन का है किसी विदेशी को जो नॉन इंडियन ओरिजिन का है ठीक है मतलब आप किसी फॉरनर को भी क्या बना सकते हैं नॉमिनी ठीक है, है? कैंसिलेशन हो सकता है हो सकता है कैंसिलेशन और वेरिएशन हो सकता है फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है और नॉमिनी जो केस होते हैं उसमें नॉमिनी केस में क्या होता है कि डेथ हो जाती है तो नॉमिनी वाले केस में सेम डे डिस्पोजल हो जाता है और उसमें अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है अगर नॉमिनी है तो आप नॉमिनी को पेमेंट कर दीजिए रह गया है। चलो थोड़ा सा गार्नेसी वाला देख लेते हैं शायद ही पूरा हो जाएगा फिर ठीक है गार्नेसी वाले के लिए क्या बात है जरा बताओ बोलो गार्नेसी वाले के लिए ये कोर्ट इश्यू करता है कौन इश्यू करता है कोर्ट इश्यू करता है ठीक है गार्निशी ऑर्डर इन टू पार्ट तो पहला तो होता ऑर्डर नशी जिसको हम एंटरिम भी बोलते हैं ठीक है और उससे वो जजमेंट डेटर जो होता है उसके बैंक शुड नॉट बी अटैच्ड एंड यूटिलाइज्ड टूअर्ड सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज जजमेंट के यहां पर जब ऑर्डर निशी आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द बैंक वाई द बैलेंस ऑफ द अकाउंट मतलब वो जब ऑर्डर आता है तो बैंक से एक तरह से एंटरिम पूछता है टली स्टॉप पेमेंट आउट ऑफ सच अकाउंट ऑल्सो इनफॉर्म टू दस्टमर अबाउट द कोर्ट ऑर्डर और जब पूरा फाइनल ऑर्डर आता है उसको क्या बोलते हैं आपकी आवाज नहीं आ रही order, absolute. Absolute order. Absolute order. Order. Uh, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ऑर्डर पहला जो है निसी और दूसरा क्या है एप्सल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब कि अब वो बिल्कुल रोक दो पहले तो कौशन दिया उसने ठीक है और अटैचमेंट ऑर्डर में ये नहीं होता है अटैचमेंट ऑर्डर किन से आता है इनकम टैक्स कॉमर्शियल टैक्स पी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अथॉरिटी इन लोगों से आता है और जो ये होता है अटैचमेंट ऑर्डर वो फ्यूचर की उसपे भी लगता है उस खाते में जो भी पेमेंट आती जाएगी उन सब पर अटैचमेंट ऑर्डर लग जाएगा अकाउंट होल्डर मस्ट बी इंफॉर्म थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट अबाउट द रिसीट अटैचमेंट ऑर्डर एंड द अटैचमेंट अमाउंट हैज बीन सेट असाइड बाय द बैंक एंड द सेम कुड बी रिलीज इफ ऑनली गेट्स ऑर्डर फ्रॉम द अथॉरिटीज जिसने दिया वो तब तक, तक उसका ऑर्डर नहीं आया तुम्हें इफ द अटैच अमाउंट इज लाइंग इन द करेंट अकाउंट

ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक में कल मिलेंगे फिर हैं